स्वागत है आपका मैं हूं अमृता राय आज सरोकार में बात दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बसे असम की जिसकी तपिश संसद के गलियारों में महसूस की जा रही है और जिसकी धधक स्थानीय मुख्यमंत्री यानी असम के मुख्यमंत्री को यह कहने पर मजबूर कर रही है कि असम ज्वालामुखी पर बैठा है आखिर क्यों पैदा हो गया है बरसों साथ साथ रहने वालों के बीच अविश्वास की जान लेने पर उतारू हो गए हैं वो एक दूसरे को बेघर बेजार करने पर आमादा हैं अविश्वास खौफ और बेबसी से भरी जनता का दर्द क्यों नहीं दूर कर पा रही हैं सरकारें आज चर्चा इसी मुद्दे पर और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कई खास मेहमान हमारे साथ हैं दिग्विजय सिंह जी दिग्विजय जी आपका स्वागत है कांग्रेस के असम प्रभारी हैं हमारे साथ हैं स्वराज कौशल जी जो कि पूर्व राज्यपाल मिजोरम रह चुके हैं और मिजोरम टॉक्स में अहम भूमिका भी निभा चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वराज कौशल हमारे साथ शेषाद्री झा हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं और आर के बड़े विचारक भी हैं आपका स्वागत है शेषाद्री जी हमारे साथ कुमार दीपक दास हैं जो कि असम गण परिषद के सांसद हैं आपका भी स्वागत है दीपक और इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कल्याण बरुआ हैं आपका भी स्वागत है कल्याण इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट असम के राहत शिविरों से लोग लौटने लगे हैं लेकिन चेहरों पर खौफ की परछाइयां मिटी नहीं है घर में हिंसा का खौफ है और राहत शिविरों में बीमारी का हिंसा में तिहत्तर लोगों की जान जा चुकी है और राहत शिविरों से भी करीब दर्जन भर लोगों की मौत की खबर है अब सरकार इस खौफ को कम करने का दावा कर रही है सरकार कह रही है कि जो लोग घर लौट रहे हैं उनके हिफाजत के लिए पुलिस पिकट्स बना दिए गए हैं सीबीआई भी हिंसा फैलाने वालों की जांच के लिए पहुंच रही है संवेदनशील गाँव में एक सौ चार स्थायी पुलिस पिकेट प्रस्तावित किए गए हैं, राहत शिविर बंद कर दिए गए हैं और आज 101 लाख 44000 से अधिक लोग अपने-अपने गांव लौट गए हैं बावजूद इन कोशिशों के एक महीने से चल रही हिंसा की चिंगारी रह-रहकर भड़क उठ रही है बीते दिनों हिंसा में फिर से चार लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री की व्यवस्था भी सामने आ गई you see that uh, image of the government is tarnished that politics is always be there that i don't deny it or i don't rule out also but at the same time our job is to restore peace इस हिंसा की तपिश संसद में भी महसूस की गई मानसून सत्र का पहला दिन असम की बहस से गर्म रहा विपक्ष ने 11 साल से चली आ रही तरुण गोगोई की सरकार पर तो निशाना साधा ही पुराने समझौते भी याद दिलाए 2006 5 दिसंबर पांच दिसंबर को यह ऑर्डर इश्यू किया है कि चार महीने के अंदर अंदर चार महीने के अंदर अंदर हमने जो ऑर्डर आई एक्ट को खत्म करते हुए दिया था उसको इंप्लीमेंट करो उनके नेता ने लाल किले की प्राचीर से उन्नीस को 15 अगस्त वाले दिन पूरे देश के साथ और असम के लोगों के साथ वादा किया था कि एक-एक बांग्लादेशी -एक को चिन्हित किया जाएगा और उसको देश में से निकाला जाएगा उस उनके प्रधानमंत्री के वादे का क्या हुआ इस बात का उत्तर उनको दे ये वादे इसलिए याद दिलाए जा रहे हैं क्योंकि हिंसा की हर घटना के बाद मारे जाने वालों के आंकड़े बचे रहे बहसें बची रही लेकिन मुद्दा नहीं सुलझा एक नजर उन अशांत लम्हों पर अक्टूबर 1993 कोकराझार बोडो और मुस्लिम संघर्ष में अठारह हजार लोग विस्थापित हुए मई उन्नीस में बोगाई गांव बोडो आदिवासी हिंसा में दो लाख बासठ हजार लोग विस्थापित हुए सितंबर उन्नीस में बोगोई गांव में बोडो और आदिवासी हिंसा में तीन लाख चौदह हजार लोग विस्थापित हुए सितंबर से नवंबर 2005 के बीच कार्बी आनलोंग में जनजातीय हिंसा में तैतालीस हजार लोग बेघर हो गए अगस्त 2008 हजार आठ दरांग और उदलगुड़ी में बोडो मुस्लिम हिंसा में दो लाख लोग विस्थापित हुए मार्च से मई के बीच 2009 में कचार हिल्स, नागा दो जनजातीय संघर्ष में ग्यारह लोग विस्थापित हुए लेकिन फिर वही सवाल है कि आखिर इतिहास से सबक क्यों नहीं लिया जा पा रहा गोपीनाथ बोडलोय रोड टू सरदार पटेल मौलाना साहब सीम टू कम टू दलूजन टू दिंग्स इज टू से बेगोली डिस्ट्रिक्टुकिंग्रोच टू दिसम्ट इज योच टू डे तो क्या सरकार स्थाई समाधान को लेकर कोई सोच बना रही है अवाम के सवाल का उत्तर आना अभी बाकी है तो चर्चा की शुरुआत करते हैं दिग्विजय सिंह जी कोई कह रहा है कि इतिहास दोहराया जा रहा है कोई कह रहा है कि भूगोल बदल रहा है असल में वहाँ पर हो क्या रहा है आप तो दो बार वहाँ से होकर आए हैं अमृता जी बात यह है कि असम एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है जहाँ लगभग पचास से ज़्यादा तो आदिवासी समुदाय हैं और अलग अलग एथनिक डाइवर्सिटी के अंदर अलग अलग उनकी समस्याएं हैं अलग अलग उनका काम है भौगोलिक स्तर पर भी बटा हुआ है मूल बात यह है कि आज हमें शांति स्थापित करने के लिए सभी को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है और यह प्रयास केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों को मिलकर करना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को मिलकर करना चाहिए हु. बोडोस की समस्या आज की नहीं है बहुत पुरानी समस्या है और इलीगल माइग्रेशन की जो बात की जाती है वो भी आज की समस्या नहीं है बहुत पुरानी समस्या है बी एरिया में 93 में बोडोज और मुसलमानों के बीच में संघर्ष हुआ 94 में बोडोज और मुसलमानों के साथ संघर्ष हुआ जी। 96 में बोडोज और संथाल आदिवासियों के साथ संघर्ष हुआ 98 में बोडोज और आदिवासियों के साथ फिर संघर्ष हुआ जी। 2008 में बोडोज और मुस्लिम के साथ संघर्ष हुआ और ये 2012 में हुआ जी, जी. कहने का मेरा मतलब ये है कि ये समस्या आज की नहीं है जी. पुरानी समय से चली आ रही है और उसको सम, समस्या का हल करने के लिए बोडो अकॉर्ड किया था जी। और बोडो अकॉर्ड के माध्यम से वहां समस्या का हल हुआ भी था हुँ, हुँ. और तब से लेकर आज तक वहां पे शांति भी थी जी. लेकिन जो एक मूल भावना है जिसमें कि एक दूसरे का विश्वास अर्पित करने का वह, वहां शायद किसी प्रकार से बोडो ट्राइबल काउंसिल के जो चुनाव जीते हैं उनमें शायद कहीं कमी रह गई कोई संवादहीनता हो गई जिसकी वजह से ये बात बढ़ दिग्विजय जी आपके पास आएंगे शेषादरी छारी कांग्रेस का ये मानना है कि वहाँ पर पचासों जनजातियाँ हैं और उनके बीच में संघर्ष होता रहा है लेकिन बीजेपी को क्यों ये बात नहीं सही लगती है वो क्यों मानती है कि ये समस्या जो है वो बांग्लादेश बना भारतीयों का है नहीं देखिए आपने शुरू में ये कहा कि वर्षों से जो एक एक साथ रह रहे हैं वो उनमें विश्वासहीनता क्यों सवाल वर्षों से जो साथ रह रहे हैं उनके बीच के अविश्वास का सवाल नहीं है ये जो प्रश्न समय समय पर निर्भर होता है निर्माण होता है वो मूलतः बाहर से विदेश से मतलब बांग्लादेश से आए हुए लोगों की और बांग्लादेश की भी जो समस्या बनी है वो उन्नीस के बाद बांग्लादेश की समस्या बनी है उसके पहले भी अगर इतिहास में हम झांकें जैसे दिग्विजय जी ने कहा कि इसका बड़ा इतिहास है हम केवल नब्बे या अस्सी तक के इतिहास में जाएंगे तो इस विषय को समझने में दिक्कत होगी पार्टीशन के समय में उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था कि असम जो है वो राइटफुली हमारे साथ आना चाहिए और उन्होंने अपने पर्सनल असिस्टेंट को ये कहा भी था कि आप 10 साल रुकिए असम विल आई विल गिव यू असम ऑन सिल्वर प्लेटर ये उनका वाक्य है वहाँ से देखेंगे तो जुल्फिकर अली भुट्टो ने यह कहा था कि असम जैसे कश्मीर है वैसे असम भी एक हमारे लिए एक प्रश्न है मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कोई बांग्लादेशी और बोडो मुसलमान और बोडो का प्रश्न नहीं है हम इसको एक कम्युनल तरीके से या राजनीतिक तरीके से नहीं देख रहे हैं ये एक राष्ट्रीय समस्या है इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लेकिन ये समस्या अभी ज़्यादा अस्सी के दशक के बाद ज़्यादा देखने को मिल रही है संघर्ष के जो दौर हैं वो अस्सी के दशक के बाद ज़्यादा देखने को मिले हैं मैं ये मानता हूँ कि यहाँ पर एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन व्हील्स विद इन व्हील्स जी तो ये एक बड़ा चक्रव्यूह है लेकिन सवाल इसको ये है। इसको केवल मात्र हम अगर देखें कि ये बोडो वर्सेस नॉन बोडो का प्रॉब्लम है ये भी गलत होगा या इसको हिंदू मुसलमान प्रॉब्लम से देखेंगे तो भी गलत होगा क्योंकि जो बोडो है वो सारे हिंदू नहीं है वो उनमें से ट्राइबल बहुत हैं उनमें से क्रिश्चियन भी हैं बेसिकली बोडो चाहता है कि मेरा जमीन मेरे पास रहे वो जमीन से जुड़ा हुआ है वो व्यक्ति जमीन छोड़ना नहीं चाहता है और जब हजारों लाखों लोग वहां पर आकर बस जाते हैं तो इसका समस्या होता है ये मूलतः ये इन्फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये कोई मुसलमानों का प्रॉब्लम है ये इनफिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है ये तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को बांग्लादेश के साथ भी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी इसकी चर्चा करनी पड़ेगी ढूंढना कर बीजेपी बार बार ये कह रही है कि ये इनफिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है लेकिन कुमार दीपक दास आप तो उस इलाके को बिलोंग करते हैं हम पूरे भारत में ये देखते हैं जिसको रोटी रोजी की तलाश होती है वो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और ये भारत में ही क्यों पूरे विश्व में ये होता है

problem of crisis is coming in the northeast region and these tribal people are not getting their own right in in their area because uh, tribal belt and block were constituted under the 6th schedule that has been washed away दैट इज बिन इीगलपाइड लॉन्ग वहाँ पर जो लोकल लेवल पे अगर हम आ, कास्ट इक्वेशंस और आ, जो वहाँ के समुदायों का इक्वेशंस हैं वो देखें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बोडोज की है उसके बाद दूसरी जनजातियाँ हैं और आ, मुस्लिम्स हैं लेकिन ये जो बरसों से चली आ रही समस्या है इसको सुलझाने की जो भी पहल हो रही है वो फेल क्यों होती जा रही है सराज कौशल देखिए टोटल आपने कहा कि सबसे ज़्यादा बोडो हैं आदिवासियों में सिर्फ सबसे ज़्यादा ही नहीं है सबसे पुराने भी हैं अब बाकी आसाम में पॉपुलेशन बढ़ती है नौ प्रतिशत और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बढ़ती है बीस से चौबीस प्रतिशत अब जब कोई मेरे घर आता है तो पूरे नॉर्थ ईस्ट में इनर लाइन रेगुलेशन है इनर लाइन रेगुलेशन के बिना आप मिजोरम में, में नहीं जा सकते आप नागालैंड में नहीं जा सकते मगर जहाँ तक आसाम का मामला है वहाँ पे ये इस फ्री फॉर ऑल कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है अब इस ट्राइबल एरिया में जब आपने सिक्स शेड्यूल में उसे डाल दिया उसके बाद अगर उनके फॉरेस्ट अगर उनके लैंड्स अगर उनके घर थ्रेटनड हैं तो वो बेचारे क्या करें अपना घर कोई नहीं दे सकता आइडेंटिटी क्राइसिस तो होगा ही जब आप आउट नंबर हो रहे हैं साठ लाख इन्फिल्ट्रेटर्स हैं आसाम में सिक्सटी लाख सिंह से जी <coughs> आप कोई भी ऑथेंटिक इट इट वाज स्टेटेड इन राज्यसभा इज़ वन नहीं देखिए 15 जुलाई 2004 जुलाई 15 2004 श्री श्री प्रकाश जायसवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम इन राज्यसभा उन्होंने राज्यसभा में कहा वाक्य है रिकॉर्ड्स में है उन्होंने कहा कि भारत में इलीगल बांग्लादेशी की संख्या एक करोड़ बीस लाख त्रेपन हजार नौ सौ पचास हाँ। यहां नहीं तक, नहीं तक नहीं तो वो गिनती कहा हफ्ते तो तो और, 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 हाँ। और बाद एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये मैं विड्रॉ कर रहा हूँ मैं कहता हूँ मैं समझ सकता हूँ कि वो तीस में दो लाख तीन लाख पांच लाख नाइनटीन 1950 के सेंस 52 टू के 50 के सेंसस के ऊपर वहां पे रजिस्टर बन जाए या उन्हीं लोगों को अधिकार दिए दिए जाए जो 1950 में जिनके फोर फादर्स वहाँ वोटर्स थे आर यू रेडी फॉर एट दिग्विजय सिंह पहली बात तो यह है कि मुझे इस बात की खुशी है कि शादी जी ने जना साहब का नाम लिया है जिसको कि अडवाणी जी और माननीय जसवंत सिंह जी मोस्ट सेकुलर पर्सन मानते हैं आपने उनका नाम लिया बहुत बहुत धन्यवाद दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये समस्या शुरू से रही है और स्वयं कांग्रेस पार्टी के चीफ मिनिस्टर गोपीनाथ बोडोलोई चलिया साहब उन्होंने इस बात को उठाया और उठाकर 1964-66 के बीच में लगभग साढ़े चार लाख जो इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से आ गए थे उनको वापस डिपोर्ट किया गया उसके बाद स्वयं चलिया साहब जिन्होंने की डिपोर्ट किया था उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं अब कह सकता हूं कि कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं है प्रश्न इस बात का है कि जब अकॉर्ड हुआ असम अकॉर्ड राजीव गांधी जी ने एजीपी के साथ किया उसके बाद इनकी सरकार आई तीन बार इनकी सरकारें रही नहीं, नहीं, नहीं। दो, दो, दो बार रही दो, दो, बार दो बार रही दो बार सरकार इनकी रही कितने इन्होंने इलीगल माइग्रेंट्स को डिपोर्ट किया

होम मिनिस्टर इज नॉट एन ड्यूटी कल्याण बरुआ आपको प्राइम मिनिस्टर और राजीव ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मसला भी है लेकिन सवाल वहां पर उन लोगों का है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अपना जीवन चलाने के लिए आते हैं और आज चार लाख लोग कहाँ से आते हैं कहाँ से आते हैं देश से आते हैं या विदेश से आते हैं सवाल ये है हक है हक है रोजी रोटी कमाने का किसको हक है देशवासियों को है अगर बांग्लादेश को हमारा एक स्टेट मानते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए हम इस बात का खंडन करते हैं विरोध करते हैं जब हमारे ही प्रदेश में देश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जब कोई जाते हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र में या गुजरात में या मध्य प्रदेश में या और अन्य प्रदेशों में जाते हैं उनका पूरा हक बनता है और इसको हम एक बहुत बड़ा समस्या नहीं मानेंगे परंतु समस्या तब होती है जब विदेश के लोग जिसको हम विदेश के से, को कह सकते हैं कोट एंड कोट वहां से जब लोग आते हैं और उनके लिए अगर कोई अलग व्यवस्था करनी पड़े तो हम कह सकते हैं परंतु वो जब उनका हमारा वोटर लिस्ट में नाम आता है वो जब हमारे प्रतिनिधि चुन के देते हैं और दूसरों दु, का हक छीन कर अपना हक जब वो प्रस्थापित करने की कोशिश करते हैं तब संघर्ष होता है जी कल्याण वर्ग जो बीजेपी की लाइन है और जो ये स्वराज कौशल कह रहे हैं कि बीजेपी की लाइन मत कहिए आई एम सॉरी बीजेपी की लाइन बीजे नहीं है ये बीजेपी की लाइन नहीं है ये मैं स्वराज कौशल की बात कर रहा हूं मैं मात्र बीजेपी के नाम पर आज यहां पर खड़ा नहीं हूं मैं एक भारतीय व्यक्ति के नाते मैं कांग्रेस के जो प्रतिनिधि यहाँ पर कहते हैं उनमें से कुछ बातों से सहमत होने के लिए तैयार हो ये बीजेपी और कांग्रेस का भी इश्यू नहीं है है अगर अगर आप, का आपका है। आपका ये मानना है कि ये जो है घुसपैठ का मामला है आपका मानना है कि बॉर्डर एरियाज में 20 से 24 परसेंट जो इन्फिल्ट्रे, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है उसकी वजह से समस्या पैदा हो रही है आप तो जमीन पर जाकर रिपोर्टिंग करते रहे हैं और देखते रहे सच्चाई क्या है सच्चाई ये है कि ये इन्फिल्ट्रेशन इश्यू बहुत ही ज्यादा पोलिटिसाइज हो गया है ना एजीपी ना बीजेपी ना कांग्रेस किसी पार्टी को इश्यू के बारे में याद नहीं आता इलेक्शन से पहले इलेक्शन के टाइम हर एक पार्टी ये रेस करती है इलेक्शन हो जाने के बाद सब पार्टी अपने अपने घर चली जाती है ये इश्यू वहीं का वहीं रह गया 85 अप... में अकॉर्ड साइन हुआ 85 के बाद क्या कर रहे थे इतने सारे सरकार कुछ नहीं किया ये बीजेपी बीजेपी ठीक है आई की बात करते हैं बीजेपी क्या आई एम की वजह से हमने फॉरनर्स डिटेक्ट नहीं किए लेकिन आप बॉर्डर तो सील कर सकते थे आप एनआरसी अपडेट करते थे क्या कर रहे हैं अभी जाकर के तुरुण को सरकार ने शुरू किया जो 85 के शुरू करना था अभी जाकर 2011 में उन्होंने शुरू किया है बस और वो भी दो पायलट प्रोजेक्ट बंद हो गया अब किस हाल में है किसी को नहीं पता ये एक मसला देखिए ये बांग्लादेश का जो इन्फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम है ये आसाम का नहीं है अब ये सारे स्टेट्स लगभग आसपास के नॉर्थ ईस्टर्न से सबका वही प्रॉब्लम है मणिपुर जी वो असम से काफी दूर है उन्होंने अभी कहा है कि दोबारा से इनर लाइन परमिट इश्यू इंट्रोड्यूस करो नागालैंड के 2001 पॉपुलेशन में नागालैंड का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 68 परसेंट कहां से हो गए इतने सारे पॉपुलेशन सिर्फ असम की समस्या है ये प्रॉब्लम जो है ना मुख्यमंत्री का देना था ये नहीं दिया गया आप देखिए सारा इंडिया में एक एक्ट है अरे असम के लिए आई एम डी लेकिन तो खत्म हो, हो, अच्छा, तो हो गया अभी, 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 रहा है, अभी क्या थे जनसंख्या है इस पे हम बातचीत करेंगे नहीं? ब्रेक के लिए रुकते हैं इसके बाद वापस आएंगे तो इस पर बातचीत करेंगे कि वाकई वहां पर क्या जनसंख्या बढ़ रही है घुसपैठ की तादाद बढ़ रही है उसको एक आंकड़े के जरिए समझने की कोशिश करेंगे बने रहेगा हमारे साथ इस बात की शिकायत है कि असम का भूगोल बदल रहा है और खास तौर से कोकराझार और उसके आसपास के सटे हुए जो जिले हैं उसमें मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है आइए हम ग्राफिक्स के जरिए देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे जनसंख्या के आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं कोकराझार में अगर हम मुस्लिम आबादी की बात करें तो 1971 में ये 17 प्रतिशत थी और उन्नीस में उन्नीस दशमलव तीन प्रतिशत रही इक्यासी में जनगणना नहीं हुई थी और इसके अलावा 2001 में ये बीस दशमलव चार फीसदी हो गई ये जो जनसंख्या के आंकड़े हम देख रहे हैं यहाँ पर जो अब अब तक 2001 और 2011 तक के आंकड़े दिख रहे हैं ये तो ये साबित करते हैं कि वहाँ पर जनसंख्या कम हो रही है आप कह रहे हैं कि इन्फु, इन्फु, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है बॉर्डर एरियाज में जनसंख्या बढ़ रही है बॉर्डर एरियाज के स्टैटिस्टिक्स जो मैं बोल रहा हूँ ये लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं सेंसस के स्टैटिस्टिक्स हैं ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हैं उसको आप चेक कर लीजिए और सवाल हिंदू और मुसलमान की नहीं है जैसे कहीं और बावेला हो जाता है हिंदू मुस्लिम मैरिज़ में असम में ऐसा नहीं होता हिंदू मुस्लिम मैरिजेज आर वेरी कॉमन इन असम मैं आ रहा हूं केवल इस अकॉर्ड की सेंटिटी के लिए 2003 का जो अकॉर्ड है इसकी सेंटिटी के लिए दिस अकॉर्ड इज सेक्रेड ट्राइबल राइट्स आर सेक्रेड कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्रेड अनफॉर्चुनेटली वी हैव ए वेरी बैड ट्रैक रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू साइनिंग अकॉर्ड वी साइंड कश्मीर अकॉर्ड इन सेवनटी सिक्स डिड वी डू एटी फोर वी डिसमिस फरूख अब्दुल्ला गवर्नमेंट वी साइंट पंजाब अकॉर्ड चर उसी की डिसमिस वी साइन असाम रिकॉर्ड इन एटी फोर मोहनताज गड भी लालडेंगा इन एटी एट वी डिसमिस गा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा पोर है हमें किसी भी कीमत पर इस ट्रैक रिकॉर्ड को सुधारना चाहिए हुँ.

इलीगल माइग्रेशन कहीं से भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए लेकिन उस इश्यू को लीगली डील करना चाहिए ना कि भावनाओं भड़काकर राजनीति करना मेरा इसमें साफ कहना है कि अगर इलीगल माइग्रेंट है तो पहले आईएमडीडी था बात खत्म हो गई अब फॉरेन फॉरेनर्स एक्ट है उसके अंदर फॉरेनर्स के ट्राइब्यूनल बने हुए हैं जो जिन वोटर्स पर शंका थी डी वोटर्स पे उनको वोट डालने का अधिकार रोका गया है लीगली इसको एग्जामिन करिए लेकिन जब आसाम जल रहा हो तब अडवाणी जी जाकर वहां इलीगल माइग्रेशन का इश्यू उठाए ये तो वहां आग में तेल डालने वाली बात थी मेरे, मुझे इस बात की आपत्ति है बोडो अकॉर्ड भी उसकी भी अलग अलग फैसेट्स हैं किसी हमारे असम में तीन ट्राइबल काउंसिल्स हैं कार्बीज की है एनसी कचार हिल की है और बोडोस की है बोडोस के बोडो अकॉर्ड में population पॉपुलेशन ऑफ बोर्डोज the थर्टी uh, 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 the परसेंट इन द्राइबल but 50 बट 30 seats out of 40 are reserved for फॉर out 40 में से 30 सीटें उनके लिए रिजर्व हैं पांच सीटें सबके लिए खुली हुई हैं जिसमें कि बोडोज भी लड़ सकते हैं पांच ऐसी सीटें हैं जहां केवल जनरल कैटेगरी के, के लोग लड़ सकते हैं यानी कि 66 परसेंट लोग केवल पांच सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं यह एक बहुत एक बर्निंग इशू है वहां का इस मेरा अनुरोध है बीटीसी के चेयरमैन साहब से हगरामा साहब से उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर से जिन लोगों ने आपको वोट दिया है जिन लोगों ने आपके बीटीसी काउंसिल में वोट देकर आपको बिठाया है उनके साथ अन्याय मत होने दीजिए उनकी सुरक्षा करना आपका राजधर्म है अगर आपने उनकी सुरक्षा नहीं करी और उनके मन में अगर अविश्वास पैदा हुआ आप केवल लीडर्स बोर्डोस के नहीं हैं बीटीएडी एरिया में आप लीडर्स वहां पर वहां पे जिन्होंने आपको वोट दिया है चाहे लेकिन, आदिवासी संथाल हो, हो चाहे राजपूत राजवंशी हो चाहे मुसलमान हो उन सब के आप लीडर हैं लेकिन, लेकिन वो तो कांग्रेस सरकार के हिस्सेदार हैं है ना इसलिए मैं कह रहा हूं उनसे भी मैं क्या मैं उनसे यही बात कह के आया सवाल विद्या जो एक्ट बनाया उसमें क्या हो गया उसमें हुआ है कि विलेज जो इंक्लूड किया है उस एक भी बोरो नहीं है वो विलेज भी, भी इंक्लूड किया है exactly. उसमें क्या हो गया ये ये सब सेंटर से सेंटर से क्या हुआ है ना ये जो डिवाइड एंड रूल कर रहा है ये डिवाइड एंड रूल से वहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है अभी प्रोटेक्शन की माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की बात कर रहा है आसाम में तो माइनॉरिटी का हालत बहुत बहुत खराब है क्योंकि नाइनटीन से जब कांग्रेस आता है तब माइनॉरिटी का निधन होता है 1950 से हुआ उसके बाद अब uh, 1983 में हुआ हुँ. वो भी कांग्रेस था 1995 95 में हुआ भी कांग्रेस था तो ज्यादातर सरकारी कांग्रेस था 1000000 ऑफ मुस्लिम सर किल्ड इन द इन दैट

के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर यह बात कही कि तीन दिन लगे आर्मी को पहुंचने में क्या असम के, के मुख्यमंत्री ने इस प्रश्न को उठाना नहीं चाहिए था जी, जी।, 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 जी। सवाल ये भी है कि जो असम एक फेंसिंग के काम की बात कही गई थी जो असम एक पहचान करने की बात कही गई थी रिपोर्ट करने की बात कही गई थी आखिर वो क्यों नहीं लागू हो पा रहा है उन्नीस सौ पचासी से लेके तो बीस साल होने जा रहे हैं अब दो तीन बातें ट्वेंटी सेवन दो तीन बातें आपको कहना चाहता हूँ जहाँ तक फेंसिंग का रोड का और लाइटिंग का सवाल है ये तीनों में 95 परसेंट फेंसिंग और 95 परसेंट रोड्स वगैरह काम हो गया है लाइटिंग का काम भी चालू है इशू दूसरा है बात यह है कि क्या हम लोग इलीगल माइग्रेंट्स के विषय को थोड़ा ना समझें इलीगल माइग्रेशन हिंदुओं का भी हुआ है मुसलमानों का भी हुआ है तो इसमें आपको ये नहीं समझना चाहिए कि इलीगल माइग्रेंट्स अगर आए हैं तो वो सब केवल मुसलमान ही हैं दूसरी बात उनको आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जब तक पहचान उनकी नहीं करेंगे तो डिपोर्ट कैसे करिएगा लेकिन, लेकिन लीगल प्रोसेस होना चाहिए पहचान लीगल... में मुश्किल क्या है आपकी अगर इस सरकार को भी मान ले गोगोई सरकार को तो 12 साल से वो राज कर रहे हैं फिर भी नहीं काम हो पा रहा है आपने अभी नहीं सुना था नेशनल रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया हम लोगों ने चालू की उसके पहले एजीपी सरकार रही उन्होंने कभी नहीं किया जबकि ये तो अकॉर्ड में था हम लोगों ने उसकी प्रक्रिया चालू कर दी है और उसके फॉर्म उसके अप्रूवल के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास आए हुए हैं उसमें फिर से चालू जल्दी कर और उसका समस्या का हल यही है जब तक एनआरसी तैयार नहीं होगा और साथ साथ में आधार जो कि आईडी जो बनाई जा, जा रही है जब तक वो नहीं होगा आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा ये इलीगल माइग्रेशन और आ, के मामले में भावनाओं को उभार कर कुछ लोग राजनीति करते रहेंगे उनकी लाशों पर राजनीति करते रहेंगे ऐसा भाई नाइनटीन सेवेंटी वन बेस काट ऑफ ईयर ये मान लिया है तो अभी शुरू करना है सेवेंटी वन का लेके हम लोग विदेशी जो है उसको आइडेंटिफाई करना है डिपोर्ट करना है डिटेक्ट करना है तो अभी क्या हो गया ये इस इसको लेकर बहस हो रहा है कुछ नहीं हो रहा है अब एनआरसी के बारे में अभी बताया गया एनआरसी जो अपडेट हुआ हम लोग सपोर्ट किया ऑल ऑल पार्टी उसको सपोर्ट किया था और उसको सपोर्ट भी दिया था लेकिन वो बंद कर दिया गया अभी 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 नहीं खुला अच्छा ऐसा है बॉर्डर जो है अभी भी खुला हुआ है बॉर्डर बॉर्डर भी वाइड ओपन है

accept uh, this uh, problem that uh, it, it, this this problem is there but G. solution is not there because the home ministry is the nodal ministry that is, that is their duty फर्स्ट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड कम लेकिन यह भी सच्चाई है कि यह प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि कौन बाहर से आया हुआ शख्स है उसकी पहचान क्या है क्योंकि कई कई मामले ऐसे भी सामने आए जिसमें 18 18 साल से केसेस चल रहे हैं और उसका निपटारा नहीं हो पा रहा है तो आखिर पहचान कैसे हो दूसरा ये कि जो दूसरे राज्य इससे लगे हुए हैं उसमें अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसका निपटारा और उसकी पहचान कैसे हो इस पर बातचीत करेंगे हम स्वराज कौशल के पास आएंगे इन्होंने बीस साल पुराने मिजोरम एक, एक तरह से या मिजोरम समस्या को एक तरह से सॉल्व किया उनसे बातचीत करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं यहां पर आज हम बात कर रहे हैं असम में अशांति की असम में विषमता की और असम ही नहीं नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी क्या अशांति फैल रही है स्वराज कौशल साहब आप आपको अनुभव है नॉर्थ ईस्ट के जो दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी ये समस्या रही है और उसको आप उसमें मीडिएटर की भूमिका निभा चुके हैं वो कैसे सॉल्व हुआ और क्या असम की समस्या का कोई सोल्यूशन आप देख पा रहे हैं यहाँ से देखिए आज तो मैं बड़ी एक अलग सोच लेके जा रहा हूँ क्योंकि जब मामला उठाया गया कि 40 में से 30 सीट रिजर्व क्यों हैं पड़ोस के लिए तो मुझे तो बड़ा दुख भी है और निराशा भी है 30 सीट नहीं पैंतीस सीट रिजर्व है नहीं आ, मैं थोड़ा सा शेड्यूल के किसी भी काउंसिल में इस तरह का रिजर्वेशन नहीं जो सब है अंदर है आई कम बैक मगर वोट कौन देता है वोट देते हैं सभी लोग जी।

जी। अगर वन का जो होटल लिस्ट है उसमें उसमें भी बहुत ज्यादा तो no, कि रिजर्वेशन चाहे इज देर नॉट ए कंटेंशन बिटवीन द नॉन बॉर्डर्स एंड बॉर्डर्स

बाकी अन्य लोगों के लिए नॉन बोडोस के लिए ये लेकिन थर्टी फाइव सीट बोर्डोज बोडोस, <coughs> बोडोस के लिए सीट्स बोडो ट्राइबल काउंसिल में नहीं है तो कहाँ होंगी देखिए इसीलिए कहा होंगे मुझे आयु चैलेंजिंग आई यूज यूलेन फॉर बोडोस इन द बोडो ट्राइबल काउंसिलोज हाउ मच विश यू प्रोपोर्शन टू देर पॉपुलेशन वाई प्रोपोर्शन माइग्रेशन एंड बाहर वहां पर आते हैं आई एम श्योर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कर लेते हैं नॉन तो दो लेते हैं तो नहीं हो गिमाचल डू यू नॉट द वेरी आइडिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल विल गोव मेरा दिग्विजय सिंह से एक सवाल जी से एक, एक सवाल है अगर नॉन बोलो अगर तो ये रिजर्वेशन हटा दिया जाए अगर ये रिजर्वेशन हटा दिया जाए बीटीसी से आपको क्या लगता है कितने बोरो जीत के आएंगे I am <laughs> not saying that. I am not saying <laughs> that. that. You are not saying I'm that. I am demanding <laughs> reservation in N.C. Kacharyal also. Uh, yes. I'm uh, I am demanding good. reservation in Karbis also. I am demanding be, but reservation but in Chakmas also. One second. But at the same no problem. Time, <laughs> but at the same time. I am demanding reservation in Maratha. But at the same time. At the same time. What I am trying to say is one of the major reason for Bordos and non-Bodo's

एट द सेम टाइम दिल्ड एन सर ये जो शेषाद्री चारी का मानना है कि अगर ट्राइबल लीडर्स को इतना महत्व मिले कि वो वहां का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री के तौर पर कर सके तो क्या इस, आज तक आज तक असम ट्राइबल बना है मुझे लगता है वो जीती नहीं पाएंगे नही <laughs> वो जीती नहीं पाएंगे प्रॉब्लम तो वोट मेन जाएगा ना। का प्रॉब्लम जब, जब, जब चैलेंज इसी ना, पे हो रहा है ट्राइबल वो लोग स्टेट मांग रहे थे बोडोज एक स्टेट मांग रहे थे बोडोस वर आस्किंग फॉर ए स्टेट दे वर आर्म्ड टू द टीथ आपने कहा कि भैया हम आपको एक ट्राइबल काउंसिल देते हैं अब ट्राइबल काउंसिल में लोगों में तो और लोग हैं जो जिनकी वजह से अगर सीधा कोई रिजर्वेशन ना हो तो वो तो जीत के ही नहीं आएंगे नहीं लेकिन अगर उनके लिए रिजर्वेशन रखी है अगर रिजर्वेशन ही नहीं होगा तो बोर्डो ट्राइबल काउंसिल में एक भी बोर्डो नहीं मिलेगा आपको जब ट्राइबल काउंसिल आप टॉलरेट नहीं करते आप स्टेट में चीफ मिनिस्टर कैसे टॉलरेट करेंगे नहीं लेकिन जो अभी अभी की स्थिति है उसमें क्या आपको सोल्यूशन के रास्ते नजर आते हैं सोल्यूशन के रास्ते ये हैं कि इट इज अगेन for once advani ji is very right it is By not a it statement is, in kokrajhar no you just <laughs> <is laughs> to, to, to make Ek it burn more no, what was that statement let me hear he Go. made the statement that this 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 uh, problem is because of illegal migrants. I am also, very proud if he has said that. You are proud. But I am very proud if he has, very 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 proud right? he has said that. same. I am proud to repeat same I am proud back, he had said.

परसेंट इन 1901 नॉट वन एक मिनट एक मिनट एक मुझे दे दीजिए सेंसस सुपरटेंडेंट जो तो 1931 में थे सी एस मुल्लन ही मेड अ नोट ही सेज इमीग्रेंट्स कंटिन्यू टू पोर इन टू असम एंड एज इज इन द प्रीवियस ईयर इन अनदर थर्टी ईयर्स ओनली शिवसागर एरिया विल बी लेफ्ट फॉर असामीस ये 1971 का वाक्य है अडवाणी जी 1971 में थर्टी वन में नहीं बोला उन्होंने उन्होंने आज कहा है ये प्रॉब्लम कोई आज का नहीं है इलीगल इमिग्रेशन माइग्रेंट्स का प्रॉब्लम ही सैकिया ने भी कहा मेरा ये ये है क्या समय था जब था तो अडवाणी जी जाकर उसको आपके नेता जाएंगे तो वो पॉलिटिक्स नहीं है एजीपी के लोग जाएंगे तो पॉलिटिक्स नहीं है, तो है। यहाँ पर सवाल यहाँ पर सवाल फिर से वही जो देखिए अगर इसको राजनीतिक सवाल करना चाहिए ये मैं इसको बीजेपी और कांग्रेस का सवाल भी नहीं, तो नहीं। तो मानता तो हूँ नेशनल इश्यू है।, है ये, पूरा देश राजनीति राजनीति थोड़ी देर के लिए आज हुआ और है।, है कि वहां की चार लाख जनता जो है वो राहत शिविरों में रहने के लिए मजबूर है वहां पर उसको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं उनको अपने घरों में वापस लौटने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ इशू यही है जब चार लाख से ज्यादा लोग वहां पर शरणार्थी है उनको सबसे पहले अपने घर भेजना चाहिए और उसके लिए प्रयास किया गया है मैं कम से कम 25 जगह अलग अलग कैंप्स में गया बोडो कैंप्स में भी गया मुस्लिम कैंप्स में भी गया और वहाँ पर हम लोगों ने पूरा प्रयास किया हुआ है कि धीरे धीरे वो लोग अपने जाएँ टिकट लगा दी गई हैं सिक्योरिटी का की दिक्कत थी उनको विश्वास दिया लाया जा रहा है और लगभग डेढ़ लाख लोग वापस चले गए हैं लेकिन उसमें एक सवाल यह है कि जो बार बार समस्या उठाई जा रही है कि भाई ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं उनको वापस भेजिए क्या ये पहचान भी की जा रही है उनको बिल्कुल की जा रही है दो का वोटर लिस्ट उसको आधार माना जा रहा है और साथ में अगर उसका 2011 के अंदर में नाम नहीं है अगर उसके पास लैंड पट्टा है तो उनको वापस रिसटल किया जाएगा टू थाउजेंड इलेवन देव वोटेड इन द बीटीसी देव वोटेड इन दी लोकसभा दे वोटेड इन द विधानसभा एंड द डाउटफुल वोटर्स है नॉट अलाउड टू वोट So that's a valid document. No, no, no. The, yeah, the, identification this identification process. process, process you have started. It, it is in, a in the basis process. of 2011 or It is a continue, it is continuous 2020 process, <laughs> Your <laughs> Excellency. Your, it's a continuous process. And during <laughs> your time, you also went through the process. Yes. <laughs> <laughs> but <laughs> the base year is 2011? No, no. is Basic documents. ट्वेंटी फोर्थ मार्च नाइनटीन असम अकॉर्ड एसमॉर्ड ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस है ये असम अकॉर्ड में वेल लेड आउट है कैसे किस आइडेंटिफाई किया जाएगा पोस्ट मार्च 25 1971 ये 1951 एनआरसी के बेसिस पे है अगर किसी का लिंकेज है 1970 सेवेंटी फिफ्टी एनआरसी के उनको माना जाएगा कि 71 से पहले आए हैं और जिनका लिंकेज नहीं है 71 के बाद उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा फिर रिपोर्ट किया जाएगा उनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किया जाएगा हुँ. ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कॉम्प्लेक्स जरूर है लेकिन इट इज वेल लेड आउट इन असाम एक्ट जब साइन किया गया था दूसरी चीज ये मैं कहना चाहू तो जो ट्राइबल स्वराज जी ने कहा कि देखिए नॉर्थ ईस्ट में बोरोजी अकेले ट्राइबल ग्रुप नहीं है काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स सा, हैं और हर एक ट्राइबल ग्रुप का आज का ये एप्रीहेंशन है कि वो अपने ही एरिया में माइनॉरिटी बनते जा रही है देखिए नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा जगह है जो पांच पांच फॉरेन कंट्रीज से जुड़ा हुआ है इंडिया से एक चिकन नेक है जिससे इंडिया से जुड़ा हुआ है अगर अब इतने सारे ट्राइबल लोकल ग्रुप को आप डिससेटिस्फाइड रहेंगे कल अगर चाइना डिसाइड करे कि हम ये इस जगह को और थोड़ा गड़बड़ कर दें क्या करेंगे आप जी। ये ह्यूज सिक्योरिटी है छोटी मोटी बात करके कि हिंदू मुस्लिम ही का प्रॉब्लम नहीं है ये कांग्रेस बीजेपी प्रॉब्लम नहीं ये केवल hmm. बांग्लादेश इंडिया का भी प्रॉब्लम नहीं है इट्स प्रॉब्लम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और उस दृष्टिकोण से देखेंगे इस प्रॉब्लम को नेशनल दृष्टिकोण से देखेंगे इसमें ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है जरूर है सोल्यूशन वेयर बाई वी आर एबल टू सोल्व बिल्ड बिटवीन security. लेकिन आप राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर ह्यूमैनिटेरियन के केवल देख नहीं सकते हैं टेम्पोरली <laughs> देख सकते हैं आप जी, आज टेम्पोरली देख सकते हैं हाँ. आज ये शिविर से वापस जाएं सब कुछ करें सब कुछ है लेकिन हाँ. ये issue अगर बार बार ऐसा रह, रहते रहेगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट में ये समस्या फिर एक बार उभर कर आएगी पंद्रह दिन के बाद बीस दिन के बाद एक महीने के बाद यही इश्यू वापस और ये ये, ये गवाह रहा है कि ये समस्या बार बार उठती रही है लेकिन इस समस्या को जड़ से खत्म क्यों नहीं किया जा पा रहा है ताकि मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो भी सुरक्षित रहें और राष्ट्रीय सुरक्षा भी बनी रहे आप सब लोग हमारे साथ बनी रहेगा जनता को भी इसमें शामिल करेंगे एक ब्रेक के लिए रुकते हैं फिर स्थानीय लोगों से बात करेंगे आज हम बात कर रहे हैं असम में अशांति की और यहाँ पर असम में रहने वाले कुछ लोग जो दिल्ली में रहते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं उनके सवाल लेते हैं हमारे साथ क्या कांग्रेस क्या पार्टी इंडियंस लोग नहीं है क्योंकि इलीगल इमिग्रेंट टू दोरो नेशन और ये मैं नहीं कहता लेफ्टिनेट जनरल एस के सिंह भी कहते हैं Every state government and government of India must act strongly against illegal migrants. But it has to be done legally. When there, is a, when there are laws of the land for every illegal migrant, every illegal migrant has to be treated as per the law. We were the state, we signed the accord with the. Uh, the uh, all Assam uh, students. Uh, Our chief minister was also a party to the Bodu Accord. At the same time, we are the government. We have taken the Bf BPF in our ministry, in mm -hmm. spite of the fact we didn't, we, we didn't need them. But we have taken them because we want them to be a part of the ruling group. Mm -hmm. My name is Sushma Gauri, sir. I got one question for you. Yes. So, why is that in you know, our place, in our land, we are feeling insecure, sir? Is it, the government or the people to be blamed? I, I, security is our, our responsibility. We shall provide full security. इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि वहाँ पर जो इलीगल आर्म्स हैं उन इलीगल आर्म्स को भी वापस करना चाहिए ये मेरी हाथ जोड़कर अपील है सभी से कि जिन जिन के पास इलीगल आर्म्स हैं वो सरेंडर करने के साथ इलीगल आर्म्स को भी सरेंडर करना चाहिए जी अभिजीत मैं एक मेरा एक सवाल है आ, कुछ दिनों पहले न्यूज़ लाइव हम लोगों का जो एक स्टेट न्यूज़ न्यूज़ न्यूज 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 एजेंसी है उसमें हम लोगों के एक प्रोटोक अल्फा लीडर ने बोला था कि तीन तो, बोर्ड फुल करके बांग्लादेश से आर्म्स आ रहे हैं जिसमें से दो पार हो चुके हैं और एक पार नहीं हुआ है सब आई एम टेलिंग समथिंग तो अगर ये उस, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ अगर वो लोग कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके ऊपर फर्दर कोई इंक्वायरी क्यों नहीं हुआ और मेरा और एक सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक दिया था 2005 में 12 जुलाई को कि इंडिया इज़ फेसिंग एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कहना है कि ये हो रहा है तो इसमें दोहरा है क्या है तो इसमें एक्शन क्यों नहीं हो रहा है और एक मेरा सवाल है एनआरसी क्यों ठीक है आप लोगों ने शुरू किया वी एक्सेप्टेड वी आर वेरी हैप्पी यू हैव टेकन इट पायलट प्रोजेक्ट पर उस, उसका हालत अभी क्या है अभी 49 ट्राइबल बेल्स एंड ब्लॉक्स है उसका हालत अभी क्या है पहली बात तो यह है कि अगर ऐसा कोई न्यूज रिपोर्ट आया था उसकी जाँच हो हुई उसमें गलत पाई गई नंबर वन नंबर टू आई के केस में इनिगल इस इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन थे और इसीलिए आई समाप्त हुआ अब फॉरेनर्स एक्ट के अंतर्गत अगर आपके पास अगर यहां जितने लोग बैठे हैं और यहां पर लोग हैं अगर एक भी नाम आपके पास इलीगल माइग्रेंट का है तो हम बताइए उसके खिलाफ कार्रवाई होगी जी हम कैसे बताएं और और एक चीज़ में नहीं बताएं नहीं 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 रहने आप के रहने वाले बताएंगे ये नाम तो दे हैं कौन सा इलीगल माइग्रेंट है हम उसको निकाल देंगे

अगर किसी ने एक शिकायत की इस बीच में उसको वोटिंग राइट मिला हुआ है तो वो वोट तो दे रहा है लेकिन शिकायत चल रही है अमृता जी ये आप भूल जाती हैं पांच लाख डाउटफुल वोटर्स के केसेस अभी हियरिंग में है जिसने भी कहा कि डाउटफुल वोटर है उसको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया पिछले तीन चुनाव के अंदर तो उस अगर ऐसी कोई बात है तो बताए तो हम लोग कोई अमृता जी इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट में परसों ही एक केस हुआ था एक एन ने फाइल किया है उसमें यह कहना था उनका कि आसाम के वोटर लिस्ट में चालीस लाख एक्सेस लोग हैं जो फॉरेनर सस्पेक्टेड है और उनका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट करना चाहिए ये मसला है और वोटर लिस्ट में हमारा ये बहुत पुराने आसाम रिकॉर्ड के टाइम पे भी डिस्कस हुआ असम एजिटेशन ही उसी पे हुआ हाँ। शुरुआत ही आसाम एजिटेशन का मंगोल से हुआ जहाँ पे वो एक्सेस वोटर जी। पाया गया जी। जी। लेकिन अभी केवल दाखिल हुआ इस पे फैसला नहीं लास्ट फाइनल हियरिंग नवंबर को आ रहा है लेकिन ये है लेकिन ऑफिशियली जो शुरुआत की थी वो 2.67 लैक्स के थे के डाउटफुल वोटर है ये लिस्ट डाउटफुल आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ आसान नहीं है जी बट द प्रॉब्लम इज जैसे उन्होंने सवाल उठाया ये जो डाउटफुल वो वोटर्स हैं दे हैव ऑलरेडी वोटेड इन अ नंबर ऑफ इलेक्शन सो फार नो, 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 सबसे बड़ा प्रॉब्लम लास्ट थ्री इलेक्शंस लास्ट थ्री इलेक्शंस दे नॉट वोटेड

बेसिकली इस प्रॉब्लम को देखिए ये ये प्रॉब्लम केवल ह्यूमेनिटेरियन प्रॉब्लम का सवाल नहीं है अगर उतना ही सीमित होता तो अलग होता यहाँ ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम और आइडेंटिटी प्रॉब्लम होते जा रहा है सो हाउ टू स्टॉप दैट अगर आज असम के व्यक्ति को ये लगेगा कि मेरा असेंबली में बाहर से आया हुआ व्यक्ति कोई यहाँ पर नहीं है या बाहर से आया हुआ व्यक्ति हमारे प्रतिनिधि चुनकर नहीं दे सकता है सी इट्स इट्स इश्यू ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स वन साइड वी 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 आर 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 टेलिंग दैट फ़ॉरेनर्स इन वोटर लिस्ट बट इन अदर साइड फोटो आइडेंटिटी आर दिस इज गोइंग ऑन दिस इज ऑन प्रोसेस हम ये मानकर चलते हैं कि वो बांग्लादेश में उन उसके लिए कोई आजीविका नहीं है कुछ नहीं है वो भागते हैं हिंदू मुसलमान सब यहाँ पर आते हैं उनको नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए तो वहाँ पर कोई कहते हैं कि आपके पास आइडेंटिटी कार्ड क्या है क्या प्रूफ है कि आप बांग्लादेशी नहीं हैं तो वो अपने मित्रों के पास जाता है किसी के पास जाके एक आइडेंटिटी कार्ड बना लेता है आइडेंटिटी कार्ड बना के वो वहाँ पर रहता है बट यहाँ तक अगर सीमित होता <laughs> तो प्रॉब्लम नहीं होता प्रॉब्लम यहाँ से आगे जाता है आइडेंटिटी कार्ड के आधार पर वो वोटर लिस्ट में नाम है और, और क्या केवल आप, केवल केवल आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं देखिए जो जिस जिस जहाँ पर बॉर्डर से पार करने में कोई दिक्कत नहीं है दस रुपया पंद्रह रुपया मुझे पता नहीं असम के लोग ज्यादा पता पाएंगे आजकल बॉर्डर पार करने में कितना रुपया है पहले दस रुपया था शायद कीमतें बढ़ गई इनकी सरकार में अगला सवाल नहीं अभी जैसा कि कहा गया कि यहाँ पे बांग्लादेशी या जो भी गैर ओडर जो भी समुदाय जो लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे रह रहे हैं उनको अपनाया जाना चाहिए रोजी रोटी के लिए आ रहे हैं तो क्या सरकार सिर्फ उन्हें अपना रही उनकी ज़रूरतों को नहीं अपना रही है अगर क्या सरकार सिर्फ उनको छोड़ दिया कि आप लोग रोज़ी रोटी के लिए आए हैं ठीक है लेकिन आप लोग आपस में लड़िए कटिए मरिए आपस में रोजी रोटी लिए हमारा उस पर कोई ध्यान नहीं कि सरकार का ध्यान वहाँ पर मिलने वाले फ़ंड और वहाँ की सीटों से है सरकार उनकी तरफ क्या ध्यान दे रही है जो लोग बाहर से आ रहे हैं वहाँ पे अपना व्यवसाय के लिए या रोजी रोटी के लिए आ रही है पहली बात तो यह है कि अगर असम का रहने वाला दिल्ली आता है तो उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है प्रश्न इस बात का हो रहा है कि दूसरे देश के अंदर हमारे आ रहे हैं उन पर पहचान होनी चाहिए मैं उसके पक्ष में हूँ किसी भी इलीगल माइग्रेंट को हिंदुस्तान में नहीं घुसने देना चाहिए प्रश्न इस बात का है कि उसका लीगल प्रोसेस है लीगल प्रोसेस आज मौजूद है उसकी तहत ही सारी कार्रवाई होना चाहिए जहाँ तक वोट बैंक पॉलिटिक्स की आप बात करते हैं ये क्यों भूल जाते हैं कि कांग्रेस को कभी पूरे सारे मुसलमानों के वोट भी नहीं मिलते हैं और दूसरी के साथ साथ उसके अंदर दूसरे पक्ष के के लोग दूसरे पक्ष के लोग भी जीत जाते एयूडीएफ के एयूडीएफ के 18 लोग हैं मेन अपोजिशन जीत के आए तो इसलिए वोट बैंक वोट बैंक पॉलिटिक्स के हमारे पर जो आरोप लगाया जाता है बिल्कुल निराधार है आज जरूरत इस बात की है रिहेबिलिटेट रीसेटल एंड और... Reconcile, reconciliation. A U A U was part of the Congress ministry. No तो never, तो never, never 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 never. What are you saying, Shadriji? It, 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 it was supporting it. was never never. It was never never. Please get this very clear. It, it was supporting Shishadhi you. And, and, you are a rumor. RSS true RSS. This information came from another moment के साथ. इनका जैसा सवाल था उसमें ये मैं जोड़ना चाहूँगा ये खाला के मेरे अपनी ओपिनियन है ये जैसे कहा कि कुछ लोग रोटी रोजी के लिए आते हैं उससे हमें कोई प्रॉब्लम या अब कुछ कर नहीं सकते इतने सारे पॉपुलेशन हो गए हैं जो भी फिगर हो काफी सारे हो गए हैं उसमें आप एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन सकते हैं कि उनको पॉलिटिकल राइट लैंड राइट और आप उनको वर्क परमिट दे करके कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन अगर निकाले हो सकता है कुछ हद तक सॉल्व हो जी सूरज कौशल जी. आपको तो एक अनुभव है एक समस्या मिजोरम की सुलझाने के यहाँ की समस्या को सुलझाने के लिए क्या आपके दिमाग में कोई खाका है देखिए मैं मानता हूं कि देश की सुरक्षा और ट्राइबल राइट्स का सीधा सीधा एक रिश्ता है hmm. ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए तो यह जमीन उनकी यह देश की जमीन उनकी जमीन है अपनी जमीन को वो स्वयं प्रोटेक्ट कर लेंगे दिस इज ट्रू अबाउट द बोडर्स दिस इज ट्रू अबाउट दी चकमास दिस इज ट्रू अबाउट दी माराज दिस इज ट्रू अबाउट कार्बीज एंड एवरीबडी किसी भी कीमत पर नंबर एक ट्राइबल राइट्स एक्रोसेंट हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए नंबर दो जिस धारा के अंतर्गत उनको ये अधिकार दिए गए हैं जैसा कि फोर्थ सिक्स शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको बिल्कुल भी टच ना किया जाए उसको और स्ट्रेंथन किया जाए उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए ये है दूसरा क्योंकि ये सीधा मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा है उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किए बिना इस जगह का कोई और समाधान ना है ना होना चाहिए मैं पूरी तरह से सहमत हूँ ट्राइबल राइट्स को पूरा देना चाहिए मैं जिस स्टेट से आता हूं 23% ट्रा ट्राइबल वहां पर हैं और मैंने स्वयं ने मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरियाज में 6 शेड्यूल का प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था तत्कालीन एनडीए सरकार ने उसको ना मंजूर कर दिया मैं इस पक्ष का हूं कि उन जंगल जल जंगल और जमीन का अधिकार राइबल्स का होना चाहिए फॉरेस्ट ड्वेलर्स का होना चाहिए मैं इसके पक्ष में हूँ तो आसाम में भी होना चाहिए सब जगह पूरे देश में आप कहाँ की बात कर रहे हैं देश में होना चाहिए जी तो कुल मिला देश चाहिए में होना चाहिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी आंच ना आए और मानवता भी बची रहे आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद शुक्रिया